हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहली वाली क्लास में 6 वेरिएबल के मैप 5 वेरिएबल के मैप। तो आज 5 वेरिएबल के मैप में एक टाइप्स का ये क्वेश्चन आता है। देखिए, AIS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2004 में आया था, मेंस के पेपर में, मतलब सब्जेक्टिव पेपर में आया था। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में क्या आया था कि ये कोई बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है। ये नहीं, देखिए ये अलग है, जो ब्रैकेट के अंदर मैं बनाया हूं ये अलग है। क्वेश्चन समझिएगा मेरे पहले कि ये कोई बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, यहां तक इसका मिनिमाइजेशन ए है। ठीक है, तो आपको डोंट केयर की पोजीशन बतानी है। आपको डोंट केयर की क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है। ध्यान से समझ गए होगे क्वेश्चन। ये बेसिकली ए बी सी डी ई था फंक्शन, ये 5 वेरिएबल के मैप था, 5 वेरिएबल के मैप में बुलियन एक्सप्रेशन ये था, बुलियन इस एक्सप्रेशन का मिनिमाइजेशन ये है। मिनिमाइजेशन जो है के मैप से ये है। ठीक है, मिनिमाइजेशन ये दिया है। हमको बताना है कि वो कौन सी डोंट केयर की पोजीशन होगी कि इन बुलियन एक्सप्रेशन की मिनिमाइजेशन ये आना चाहिए। तो आइए ध्यान से इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक तरह से इंडायरेक्ट में हमें क्या है कि मैप सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको भरेंगे, फिल करेंगे। फिल कैसे करते हैं? ए बार तो देखो इसी में है, फिर इसके बाद बीई है। क्या है? बीई, तो बी है और ई दोनों है, तो आप समझ सकते हैं कि ए बी ई है। तो आप जहां जहां बी है, देखिए ए बार ये है और यहां पे बी है, यहां पे बी है, यहां पे बी है, और ए बार की ये लाइन है, यहां पे बी है और ए ई की ये लाइन है, ये दोनों, तो इसमें 1-1 भर दीजिए। ये देखिए भरने का तरीका, इसको सिंप्लीफाई करके सारे टर्म में आपको जो आपको कैनोनिकल फॉर्म में ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट कैसे भर सकते हैं वो समझिए। इस एक्सप्रेशन से हमें भरना है पोजीशन, तो ए बार हमने देखा ये पोजीशन है, ए बार में हमें बी ई देखना है, तो बी देखिए यहां पे है इस वाले लाइन में और यहां पे ई लाइन में, तो दोनों में यही पोजीशन मिल रही है, तो इन पोजीशन पे हमने 1-1 भर दिया, ये कंप्लीट हो गया। फिर देखिए बी सी डी ई क्या है? बी सी डी ई आप समझ सकते हैं, बीसी कौन सा लाइन है? ये बीसी लाइन है, और कौन सा है? डीई, बीसी लाइन ये है, डीई ए, ठीक है, बीसी लाइन ये है, डीई ए है, तो ये देखिए डीई में ऑलरेडी यहां भरा हुआ है, बीसी लाइन और डीई में पोजीशन भरी गई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां देखिए यहां पे ए बार तो है नहीं, तो दोनों में भरना पड़ेगा, तो बीसी लाइन ये है, डीई है, तो यहां पे 1 भरना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे 1 आपको फिल करना पड़ेगा, ये भी हो गया। देखिए अब इधर आइए, बी सी बार कहां है? बी सी बार ये लाइन है, बी सी बार एंड डीई, डी क्या है यहां पे ऑलरेडी भरा हुआ है, छोड़ दीजिए। इधर देखिए बी सी बार ये है और कौन सा है? डीई बार, सॉरी डीई बार था ना, हम लोग गलती कर दिए, अभी नहीं डीई है, तो अभी बी सी बार एंड डी ई, तो ये पोजीशन है, ये देखिए ये पोजीशन है, इसमें भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। ए भी हो गया बी सी बार डी ई। अब आइए नेक्स्ट, ए बार बी बार, ए बार बी बार, ए बार है तो ए बार तो ये है, फिर इसके बाद बी बार डी, बी बार डी हमें देखना है, बी बार देखो ये दोनों पोजीशन है, बी बार देखो ये दोनों पोजीशन है, तो इन दोनों पोजीशन में ए बार के लिए, इन दोनों पोजीशन में, और हमें क्या देखना है? डीई बार, डीई बार है, डीई बार, तो डी ए है और ई बार ए, और बी बार इन दोनों में, तो इन पोजीशन पे हमें 1 भर देना है, इन पोजीशन पे हमें क्या भर देना है? 1 भर देना है। ठीक है, इसमें हमने कुछ गलती कर दिया है क्या? ये बी ए बार, ए बार ये है, ए बार ये लाइन है,
ठीक है, इसमें फिर बी बार है, बी बार ये लाइन है, ठीक है, फिर डी ई बार है, डी ई बार, सॉरी डी ई बार ये है, डी ई बार है, तो इन देखो इन पोजीशन पे हमें वन भरना पड़ेगा, ठीक है, इन पोजीशन पे वन भरना पड़ेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देखिए बी बार सी बार, बी बार सी बार ये लाइन है दोनों में, और डी ई बार, डी ई बार इधर तो भरा हुआ है, इधर भर दीजिए वन, क्लियर, ये भी हमने भर दिया, समझ गए होंगे। कैसे फिल किया आपको डायरेक्ट विदाउट कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किए हुए, आप समझ गए होंगे कैसे हमने चेंज किया, कैसे भर दिया। अब देखो हमें मिनिमाइजेशन में ये चाहिए, इसका मिनिमाइजेशन का आंसर हम लिख दे रहे हैं, आंसर जो हमारा आया है वो आया है बी ई प्लस आपका आया है बी बार सी एंड ई बार, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। अब ये आंसर कैसे आएगा, उसके लिए क्या पोजीशन होगी, आप सबसे पहले देखिए इसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट है, थ्री वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो थ्री वेरिएबल कब रिमूव होता है, जब आपका पेयर बनता है तो वर वेरिएबल को रिमूव करता है, क्वाड बनता है तो टू वेरिएबल को रिमूव करता है, ऑक्टेट बनता है तो क्या बनता है, थ्री वेरिएबल रिमूव होता है। तो ये बताइए यहाँ पे ऑक्टेट बनेगा, यहाँ पे कोई ऑक्टेट बना रहा होगा तभी इतने वेरिएबल रिड्यूस हुए होंगे, तो अभी अभी तो हम केवल एनालिसिस कर रहे हैं, अभी बताएंगे क्या करना है, ठीक है भाई। देखो जब दो ही वेरिएबल यहाँ पे आए, तीन वेरिएबल रिड्यूस हो गए, तीन वेरिएबल मिनिमाइज हो गए, तीन वेरिएबल मिनिमाइज होने के लिए हमारे पास ऑक्टेट बनना चाहिए, ऑक्टेट बनेगा तभी थ्री वेरिएबल रिड्यूस होगा, तो समझ में आ रहा। इधर देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है, दो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो दो वेरिएबल रिमूव हो गए, दो वेरिएबल मिनिमाइज हो गए, दो वेरिएबल मिनिमाइज होने के लिए इसका मतलब हमें मस्ट भी यहाँ पे क्वाड बनेगा, क्या बनेगा, क्वाड, यहाँ पे क्वाड बनेगा तभी आपका दो वेरिएबल ये रिड्यूस हो के ये इसके बाद ये एक्सप्रेशन आएगा। अब आइए ध्यान से देखते हैं, बी ई हमें चाहिए, इसमें ए एंड बी ए है ही नहीं, ए एंड ए बार नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि जब हमें बी ई चाहिए और ए ए बार नहीं चाहिए दोनों में, तो अब इसका मतलब आपको सुपर इम्पोज करके पेयर बनेगा, ध्यान से समझिएगा। तो चार देखिए यहाँ पे है, हमें ऑक्टल बनाना है तो चार यहाँ पे है, इन दोनों में देखिए बी है कॉमन, इन दोनों में ई कॉमन है, ठीक है, तो ये चार यहाँ पे, तो चार इन पोजीशन पे होना चाहिए तभी हमारा ऑक्टेट बनेगा, तो इन पोजीशन पे चार बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ेगा तब जाके ये ऑक्टेट बनेगा, और जब जाके ये देखिए इसको मिला के और इसको मिला के ये ऑक्टेट बनेगा, तब इसके बाद ये आंसर आएगा बी। तो इन दोनों पोजीशन पे हमें डोंट केयर की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी इन पोजीशन को लिख लेंगे, कहां पोजीशन है, कौन सी पोजीशन पे हमें डोंट केयर की रिक्वायरमेंट थी, यही हमारा क्वेश्चन था। अब आगे देखिए इस वाले में, देखिए इस वाले में हमें क्या बनना चाहिए, क्वाड बनना चाहिए, क्वाड बनना चाहिए, तो बताइए यहाँ पे टू एलिमेंट है, ये देखिए ये यहाँ पे इन दोनों में सेम क्या है, बी बार सही है, इन दोनों में आपका देख रहे हो, इन दोनों में, इन दोनों में सेम क्या है हमारा बी, इन दोनों में डी ई बार है, क्या है डी ई बार, ठीक है डी ई बार है, यहाँ पे मैं कुछ गलत लिख दिया हूं, ये देखिए यहाँ पे मिनिमाइजेशन में यहाँ पे एक यहाँ पे सॉरी डी होना चाहिए, मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, आंसर यहाँ डी होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप ध्यान से इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये डी होना चाहिए। तो ये देखिए इन दोनों में सेम क्या है, बी बार है, इधर देखिए डी ई बार है, तो दोनों में सेम, तो ये देखिए हमें क्या बनना चाहिए, क्वाड बनना चाहिए, तो यहाँ दो है तो यहाँ पे डोंट केयर रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको मिला के और इसको मिला के क्वाड बन जाएगा, तब इसके बाद ये आंसर आएगा। तो हमें डोंट केयर की पोजीशन पता चल गई, कौन कौन सी पोजीशन है मैं लिख रहा हूं, ये देखिए समेशन स्मॉल एम और यहाँ पे डी लिख दिया, ये क्या लिख दिया, एम की जगह पे जहां पे हम डी लिख रहे हैं, डोंट केयर की पोजीशन, डोंट केयर की पोजीशन, तो एक पोजीशन तो
तो ये आप जानते हैं ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो 22 आ गया, एक पोजीशन आ गया। फिर इसके बाद 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 25 ये आ गया, 25 ये 25 हो गया, 26, 27, 28, 29 ये क्या हुआ, 29 पोजीशन। तो ये आपकी डोंट केयर की पोजीशन हुई, इन पोजीशन की हमें रिक्वायरमेंट थी। अगर ये पोजीशन पे डोंट केयर भरेंगे तब हमारा मिनिमाइजेशन ही आएगा, और यही पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी थी। तो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आए होंगे, आईएएस 2004 में आया था, क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे दो चीज सीखे कि किसी के मैप में विदाउट कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करते हुए आप किसी पोजीशन को किसी बुलियन एक्सप्रेशन से कैसे के मैप में फिल करते हैं, क्लियर। अगर मेरे पास, अगर इसी के मैप में, अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये मान लीजिए 6 वेरिएबल के मैप हो जाता, 6 वेरिएबल के मैप होता, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, 6 वेरिएबल अगर के मैप आएगा, सब में प्रोसीजर सेम है, हम बता चुके हैं, मिनिमाइजेशन वही है, आपका पेयर 1 वेरिएबल को रिड्यूस करता है, क्वार 2 वेरिएबल को रिमूव करता है, ऑक्टेट 3 वेरिएबल को रिमूव करता है, ठीक है, ऑक्टेट क्या करता है, 3 वेरिएबल को रिमूव करता है, और आपका हेक्सा जो है 4 वेरिएबल को रिमूव करता है, 32 5 वेरिएबल को रिमूव करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शन है, ये देखिए ये फंक्शन है, और यहाँ पे समेशन स्मॉल एम में कुछ दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये कुछ दिया है, यहाँ पे मैंने फिल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, पोजिशन दिया है, यहाँ पे हम समझ रहा है 6 वेरिएबल के मैप को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं अभी बताया कि 6 वेरिएबल के मैप हो या 4 वेरिएबल के मैप हो, तो आपको 4 वेरिएबल के मैप में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा ए बार बी के लिए, 4 वेरिएबल का के मैप, ठीक है, एक बनाना पड़ेगा आपको ए बार बी के लिए, फिर इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा ए बी बार के लिए, फिर इसके बाद बनाना पड़ेगा ए बी के लिए, तीन के लिए बनाना पड़ेगा 4-4 का के मैप। जैसे देखिए मैं बना रहा हूं, यहां पे आपको केवल समझा रहा हूं, ठीक है, प्रोसीजर, इतना वेरिएबल, इतने वेरिएबल का के मैप कभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको सिलेबस में दिया है तो इन पोजीशन को मैं समझा रहा हूं, 6 वेरिएबल के मैप को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपने 16 का ए ले लिया, यहाँ पे 2 वेरिएबल तो ये बन गया, इधर सी डी और इधर क्या हो गया ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक है, इधर हमने ले लिया इसके लिए, इसी तरह इसके लिए भी लेंगे, सेम देखिए इसके लिए भी आपने ले लिया, वही सेम पोजीशन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 16 का इधर भी ले लिया आप, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, सी डी और क्या ले लेंगे, ई एफ, ठीक है। इसी तरह से आप ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया सी डी और ये ई एफ, क्लियर। इसी तरह यहां पे ले सकते हैं, ये केवल मैं आपको समझा रहा हूं, इतने वेरिएबल तक कभी भी के मैप नहीं आता है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है, आपको मैक्सिमम 5 वेरिएबल तक के मैप आपके पेपर में आएगा, 5 वेरिएबल से ज्यादा के मैप नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूं, ऐसे सॉल्व करते हैं, जिसमें देखो मैं पोजिशन बता रहा हूं, 0 1 ये आ गया, 2 3 ये क्या हुआ, 4 5 ये 6 7, ठीक है, ये क्या हुआ, ये 8 9, ये 10 11, ठीक है, 12 13 14 और ये क्या हुआ, 15, ठीक है, पोजीशन देखिए, ये क्या हुआ, 16 17 18 19, ठीक है, ये हुआ 20 21 22 23,
फिर 24, 25, 26, 27, फिर 28, 29, 30 एंड 31, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया 32, 33, 34 और ये 35, फिर इसके बाद 36, 37, 38, 39, ठीक है। फिर इसके बाद इस तरह से आप लिखेंगे 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, ठीक है, 48, 49, फिर इसके बाद ये हो गया 50, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है, ये पोजीशन हो गया। फिर 55 के बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 एंड 63। तो आप लोग जानते हैं कि अगर 6 वेरिएबल के मैप है, 2 के पावर 6 कितना होगा, 64, तो 00 से कहां जाएगा 63 तक, ये पोजीशन कर लेंगे। फिर इन पोजीशनों को भरने के बाद ये देखो, जैसे इसमें मान लीजिए 11 है, फिर इसको इसमें ओवरलैप कराएंगे, इसका इसमें ओवरलैप कराएंगे, इसका इसमें ओवरलैप कराएंगे, तो सबका अगर इंडिविजुअल पोजीशन पे आ रहा है, सब में ओवरलैपिंग से अगर मान बन जा रहा है, जैसे इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, फिर इसमें भी 4 है, फिर इसमें भी 4, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, 16 का पेयर बन जाएगा। जैसे हमने बताया था पेयर, क्वाड, फिर ऑक्टेट, हेक्सा, क्लियर, फिर 32, इस तरह से आप बना लेंगे। अगर सब में अगर ये कंबाइन बनाओगे तो ये बार, बी बार, ए बार, ये सबको वैल्यू नहीं लिखोगे, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर केवल इसके लिए लिख रहे हैं तो ये बार बी बार के लिए अगर इसमें है तो क्वाड बन रहा है, ए बार बी, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेंगे, जैसा कि हमने 5 वेरिएबल के मैप में बताया, सेम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे और कुछ नहीं। अब दूसरा एक मेथड और है, ये देखिए, ये 5 वेरिएबल के मैप, तो 5 वेरिएबल का के मैप लेके, 5 वेरिएबल का के मैप लेके ए एंड ए बार को मैप कर दिया जाए दो पार्ट में, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा से लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन सेम प्रोसीजर यही है। अब पोजीशन आपको मैं लिखने बता दिया कैसे, अब जैसे देखिए मैं लिखने बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे इस तरह से रहता, अगर देखिए यहां पे ऐसे रहता है, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और देखिए यहां पे एक न्यूमेरिकल में मान लीजिए ले रहा हूं, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, और यहां पे अगर 1 1 है, यहां 1, यहां 1, और ये देखिए वहां 1 और यहां पे 1 है, और ये सेम पोजीशन पे यहां पे 1 है, 1 1 और यहां पे पोजीशन 1 और यहां पे ये पोजीशन 1, तो आप देखिए यहां से इसको लीजिए, ओवरलैप करिए, ये इसको लीजिए, इसको लीजिए और इसको लीजिए ओवरलैपिंग से, तो क्या बन गया आपका 4 4 8 12, फिर इसके बाद 16 का बन गया। तो आप जानते हैं कि जो हमारा ऑक्टल है वो 3 वेरिएबल को रिड्यूस करता है, तो हेक्सा के आपको, हेक्सा मतलब आप जानते हैं कितने वेरिएबल को रिड्यूस करोगे, 4 वेरिएबल को रिड्यूस करेगा, तो 4 वेरिएबल को रिड्यूस करेगा, तो देखिए इसमें ये 2 वेरिएबल तो सीधे गायब हो गए, 2 वेरिएबल कौन से गायब हो गए, ए बार बी बार तो लिखना ही नहीं, सब में अगर बन रहा है तो ए बार बी बार तो लिखना नहीं, फिर देखो इन दोनों में सेम क्या आएगा, आप जानते हैं कि ये सी बार है, ये डी बार है, ये सी बार डी है, ये सी डी है एंड ये सी डी बार है, इसी तरह ये ई बार है और ये एफ बार है, और ये क्या है, ई बार एफ है, और ये ई है एफ है, और ये है ई एफ बार, ठीक है, तो इन दोनों में देखो सेम क्या है, आपका डी है और इन दोनों में सेम क्या है एफ, तो ये आ जाएगा। देखिए आपको कितने वेरिएबल रिड्यूस हो गए, आपके पास 6 वेरिएबल थे, 4 वेरिएबल रिड्यूस हो गए, 2 वेरिएबल बचे, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में मैं एक और क्वेश्चन में मॉडिफाई कर रहा हूं, अगर ये 1 यहां पे भी रहता तो ये देखिए एक यहां पे, ये देखिए इस तरह से यहां पे एक क्वाड बन जाता, ये देखिए एक क्वाड यहां बन जाता,
अब क्वाड कितने वेरिएबल को रिड्यूस करता है, दो वेरिएबल को रिड्यूस करता है। देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, अगर देखो इन दोनों में ये ए बार बी बार है तो ए बार बी बार तो आएंगे ही आएंगे, ए बार बी बार आ गया ठीक है, ए बार बी बार तो आएगा ही आएगा। अब देखिए इन दोनों में ए बार बी बार आ गया और इन दोनों में सेम क्या है, सी बार है, बहुत बढ़िया, और इन दोनों में सेम क्या है आपका एफ है, ये देखिए एफ कितने वेरिएबल बचे, वन टू थ्री फोर, फोर बच गए, तो आपका क्वाड कितने वेरिएबल को रिड्यूस करता है, दो वेरिएबल को, तो फोर बचे टू और करोगे कितना हो गए सिक्स वेरिएबल, तो इसलिए इस तरह से लिखा देना। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं इस क्वेश्चन में, और मैं एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में केवल इसमें इसमें दोनों ओवरलैपिंग से बन रहे हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इस वाले में ये वन कर दिया मैं, ये देखिए इस वाले में वन कर दिया और यहाँ पे बी वन है, यहाँ पे बी वन है, यहाँ पे वन है, तो इसको ओवरलैप करोगे तो इसको मिलाओ और इसको मिला के ये क्या बन रहा है, क्वाड बन रहा है, कितना बन रहा है क्वाड बन रहा है। तो इन दोनों में ये देखो ए बार बी बार और ए बार बी, तो इन दोनों में जो सेम होगा वो लिख लेना, जो डिफरेंट होगा वो छोड़ देना। तो दोनों में सेम क्या दिख रहा है, दोनों में सेम दिख रहा है आपका ए बार, तो ए बार लिख लेना, फिर समझ में आ रहा है। फिर देखिए इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सी बार सेम है, सी बार लिख लिया मैंने। फिर देखिए इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में तो ई एफ है। तो आप देख रहे हैं क्वाड बना, तो यहां पे भी फोर टू वेरिएबल रिड्यूस हो गए और ये आंसर आया। तो आप लिखने का तरीका समझ गए होंगे, अगर मान लीजिए इसमें और इसमें अगर आप ओवरलैप करा देते तो इसमें दोनों में क्या कॉमन होता, बी बार, तो बी बार लिख लेते, क्लियर। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि चाहे 16 वेरिएबल के एमएफ हो आपको 4 में उसको ब्रेक करके इसके बाद कैसे सॉल्व करना मैं बता दिया आपको, ठीक है। तो 4 आपको किसी भी मैक्सिमम 4 वेरिएबल तक तो आप ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जब भी 5 वेरिएबल के एमएफ आ जाए, 6 वेरिएबल के एमएफ आ जाए और 7 वेरिएबल के एमएफ आ जाए तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके 4 वेरिएबल में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फोर वेरिएबल में कंसीडर करने के बाद मैपिंग, ओवरलैपिंग मैपिंग करेंगे, ठीक है। मैपिंग करने के बाद जैसे प्रोसीजर बताएं वैसे अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 6 वेरिएबल के मैप समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग लेक्चर देखते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए।